इसके बाद आता है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर की ये कंपनी है, पिछली बार बता नहीं पाया था, सन फार्मा, औरोबिंदो, पिरामिल है ना, आंट्स, जाइडस, ये सारी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ये सारी फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर का क्या मतलब है? ऐसी कंपनी जो कि क्या कहते हैं, दवाइयां बनाती है, ठीक है। सो मेडिसिन वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में वो शामिल होती है। और मेडिसिन आपको भी पता है कि सेक्टर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सेक्टर जिस जो जैसे कई सेक्टर है ना कुछ ही टाइम तक बूम पर रहते हैं फिर फेल हो जाते हैं, है ना। लेकिन दवाइयों वाला सेक्टर आपको लगता है कभी फेल होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंसान बीमार होता रहेगा, वो तो ठीक होने के लिए दवाइयां चाहती रहेंगी, मतलब उसे चाहिए रहेगा। तो सेक्टर जो फेल ना हो, जिसको लोग लगता है कि यार देखो एफएमसीजी सेक्टर कभी फेल नहीं हो सकता यार, खाने पीने की चीजें तो चाहिए, चाहे कोरोना हो नहीं हो, लॉकडाउन हो नहीं हो, समझ लो दवाइयां चाहिए चाहिए। तो इसमें टॉप प्लेयर कौन है? औरोबिंदो फार्मा, ठीक है। 1012 रुपए का शेयर है, पिछले 5 सालों में 284 रुपए बढ़ गया ये शेयर, ठीक है। सिप्ला, सिप्ला की दवाइयां सभी ने खाई होंगी, पिछले 5 साल में 481 रुपए की जंप आई है सिप्ला के शेयर प्राइस में, 967 रुपीज का शेयर। और फिर आता है डॉक्टर रेड्डी, काफी महंगा शेयर है, पिछले 5 सालों में 2400 रुपए बढ़ गया है, 5 सालों में 2400 रुपए बढ़ा है ये डॉक्टर रेड्डी। और अभी जो कोरोना की वैक्सीन आई है उसके हिसाब से, क्योंकि स्पुतनिक भी शायद यही बना रहा है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यही करेगा, शायद बना नहीं रहा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डॉक्टर रेड्डी करेगा, इसलिए इसमें बूम देखा जा रहा है, पिछले 5 सालों में काफी अच्छा रिटर्न है, ठीक है। फार्मा सेक्टर के बाद